Okay guys, I welcome you back to Muscle Masters and just want to thank you once again. Video शुरू करने से पहले बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो आप love and affection देते हैं चैनल को. Thank you so much for subscribing the channel and अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो I request you one thing, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप जिम खोलना चाहते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अगर आप जिम खोलना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट चैनल एंड राइट प्लेस फॉर यू. As I always say, non-copied content, original content, it is available on gym setup funding, licensing, each and everything, it is available with us here at Muscle Masters by Sachin Kohli. Okay, without wasting any further time, my dear friends, I just want to tell you कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो वीडियो का टॉपिक क्या है. I am having these documents in my hands. ये कुछ documents हैं मेरे हाथ में और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत बार आप लोगों ने मेरे से प्रश्न भी पूछा कि जब भी आप जिम ओपन करने जाते हैं तो आपको जिम में किस प्रकार की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, क्या जिम रजिस्टर होता है कि नहीं होता. सो माई डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और वही टॉपिक है आज का इस वीडियो का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग जिम बिजनेस इज टू ऑब्टेन MCD हेल्थ लाइसेंस. जिस तरीके से जब आप गाड़ी चलाने के लिए रोड पे जाते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होती है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस. बिना गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं. उसी तरीके से अगर आपके पास आपका लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ लाइसेंस नहीं है, MCD क्लियरेंस नहीं है, तो आप अपनी जगह पे क्लब नहीं चला सकते. ये मैंडेटरी है एज पर लॉ कि आपके पास MCD का लाइसेंस होना चाहिए. अब आप लोग मेरे से बार बार प्रश्न पूछते हैं कि MCD लाइसेंस अगर आप लोगों को चाहिए तो MCD लाइसेंस के अंदर क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या प्रोसेस है MCD डॉक्यूमेंट्स का, क्या प्रोसेस है MCD लाइसेंस का. तो चलिए आइए देखते हैं, इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगा कि आप किस तरीके से MCD लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं. आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा. ये लिस्ट है 17-18 डॉक्यूमेंट्स की. ये 17-18 डॉक्यूमेंट्स ये डिफाइन करेंगे कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए MCD लाइसेंस के लिए. तो आइए एक एक करके डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं, प्रोसेस के बाद उसके बाद करेंगे. ओके गाइस, दिस इज द कंप्लीट लिस्ट. ये पूरी लिस्ट है जो कि MCD हेल्थ लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को चाहिए. अगर आप एक जिम संचालक हैं, अगर आप एक जिम चलाते हैं, तो ये जो लिस्ट है 17 अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करने हैं बिफोर यू अप्लाई फॉर MCD हेल्थ लाइसेंस. तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये 17 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और ये 17 डॉक्यूमेंट्स आपको किस किस तरीके से कलेक्ट करने हैं. जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हम लोग का, वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है MCD एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि MCD की वेबसाइट है, जो भी आपके शहर की MCD की वेबसाइट है उस पर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. जितने लोग हैं दिल्ली में, उनका NDMC.in करके वेबसाइट है, उसमें आप ऑनलाइन भी इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज ऑफलाइन भी आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं अपने नियर बाय MCD ऑफिस में. नाउ दिस MCD एप्लीकेशन फॉर्मेट है पूरा MCD का, ये MCD से ऑब्टेन हो जाएगा आपको. इसमें आप अपने पर्टिकुलर्स भरते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका कहाँ का एड्रेस है. एक नॉर्मल एप्लीकेशन है ये, सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये हो जाता है. आपको ये फिल करना है, नॉर्मल MCD से ऑब्टेन कर लीजिए, नहीं तो इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. नाउ सेकेंड डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. दिस डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट के प्रूफ ऑफ लीगल ऑक्यूपेंसी. इसका मतलब ये है कि जब आप एक जिम ओपन करते हैं तो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है आपके पास. पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, और जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है. अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आपके प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है. रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट के साथ अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखें, अगर तो ये रेंट एग्रीमेंट आप दे रहे हैं तो आपको जो आपका लैंडलॉर्ड है उससे आपको NOC चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट काम करता है, बताता है कि आपके जो लैंडलॉर्ड हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ पे जिम ट्रेड का काम कर रहे हैं और यहाँ पे जिम ट्रेड के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज कन्वर्जन एंड पार्किंग रिसिप्ट. माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
मैंने एक वीडियो किया था बहुत पहले कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो तीन अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं जब भी हम एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। मैं दिल्ली स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरे को दिल्ली के बाहर देख रहे हैं उनके यहाँ भी यही रूल अप्लाई होता है, मेजरली पूरे इंडिया के अंदर यही रूल अप्लाई होता है कि हमारे पास तीन तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है ये। पहली प्रॉपर्टी होती है जो फुली कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई भी कन्वर्जन और पार्किंग रिसीट नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड लैंड यूसेज। नहीं, अब समझते हैं मिक्स्ड लैंड यूसेज क्या होती है। मिक्स्ड लैंड यूसेज उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी के अंदर आप रह भी सकते हैं और आप जिम का बिजनेस भी कर सकते हैं या आप किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर्स जो हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, जो कि किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में बनी हुई है या मिक्स लैंड यूसेज में बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर्स उसके अंदर अलाउड है। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल क्या वो प्रॉपर्टी कन्वर्टेड है कि नहीं, और अगर वो प्रॉपर्टी कन्वर्टेड है तो क्या उसके कन्वर्जन चार्जेस और उसकी जो पार्किंग चार्जेस है वो पेड है कि नहीं। देखिए, जो मेन हेल्थ लाइसेंस है या एमसीडी लाइसेंस है, इसका बेस है कन्वर्जन और पार्किंग रिसीट। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं जो कि एमसीडी अप्रूव नहीं है और वहाँ पे जिम नहीं खुल सकता, या रेजिडेंशियल के अंदर आपका जिम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के ऊपर है, तो आप कभी भी ये लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लाइसेंस तो अप्लाई कर पाएंगे लेकिन अप्लाई करते ही ये लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देखिए एक बार, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो समराइज़ करने के लिए, एक तो होगी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो फुली कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जिम खोलिए, किसी भी फ्लोर पे खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिक्स लैंड यूसेज है, मिक्स लैंड यूसेज में आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये काम कर सकते हैं, और जब आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये काम कर सकते हैं तो आपका कन्वर्जन और पार्किंग, कन्वर्जन फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल एंड योर पार्किंग हैज टू बी पेड, देन एंड ओनली यू कैन अप्लाई फॉर एमसीडी लाइसेंस। पॉइंट नंबर 4 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर आपका ये रेंटेड प्रॉपर्टी है तो इन दैट केस जो आपके लैंडलॉर्ड है, आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी लेना जरूरी है। सो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट पॉइंट ऑफ पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम बोलते हैं कि एक लीगल ऑक्यूपेंसी का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अ फिफ्थ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड हेयर फॉर ऑब्टेनिंग एमसीडी लाइसेंस, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा इसको एलैबोरेशन की जरूरत नहीं है, इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। जहाँ पे आप ये बिजनेस कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट की दो दो कॉपीज हम लोग को सबमिट करनी पड़ती है यहाँ पे। द फर्स्ट पॉइंट इज द साइट प्लान। साइट प्लान का मेरा क्या मतलब है कि जब आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है तो उस प्रॉपर्टी के टाइम पे उसका एक साइट प्लान बनता है, उसका एक की प्लान बनता है। तो ओरिजिनल द साइट प्लान एंड की प्लान, ओरिजिनल मतलब फोटोकॉपी ओरिजिनल की, द साइट प्लान एंड की प्लान, ये दोनों हम लोगों को एमसीडी में सबमिट करने पड़ते हैं कि साइट प्लान और की प्लान जो ये दो प्लान्स हैं क्या ये क्वालिफाई करते हैं हमारे एमसीडी लाइसेंस के लिए या नहीं। साइट प्लान और की प्लान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक सर्टिफिकेट होता है। जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या चाहे वो एक मिक्स लैंड यूसेज के अंदर ही बना रहे हैं, तो देर इज समथिंग कॉल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट। तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट है वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें साइट प्लान, की प्लान और बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट जब आप एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट करवाते हैं उस समय पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है। और अगर ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है आपका, तो ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपको, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ओनर है, जिस टाइम पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना था, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको उनके पास से मिल जाएंगे, आपको वहां से ऑब्टेन करने पड़ेंगे। नंबर 9 सेज के आपको ये लाइसेंस आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास आपकी जो बिल्डिंग है वहां से फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो। दिल्ली के अंदर अगर आपके पास फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल होने चाहिए और आपके पास उसका बिल होना चाहिए। तो दैट बिल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, या तो आप फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ले लीजिए या फायर एक्सटिंग्विशर के बिल्स ले लीजिए। उसके साथ अब जो आगे के कुछ आने वाले पॉइंट्स हैं, आगे के आने वाले पॉइंट्स डिफाइन करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। आपको ये भी बताना पड़ेगा आपकी लोकल एमसीडी को, क्या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप डेट देनी पड़ेगी। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल देना पड़ेगा। और अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपको सोल प्रोप्राइटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप सोल प्रोप्राइटर के अंदर काम करते हैं। द
द नेक्स्ट वन हेयर इज, अगर तो ये पार्टनरशिप है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका आईडी प्रूफ लगेगा, अगर ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सारे डायरेक्टर्स का आईडी प्रूफ लगेगा, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सिर्फ आपका ही एक सिंगल आईडी प्रूफ लगेगा, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। अगर आपकी कंपनी, जो कि पॉइंट नंबर 12 है, जीएसटी अप्रूव्ड है, जीएसटी अप्रूव्ड यानी कि आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो आपका जीएसटी नंबर भी लगेगा। अगर आप लोगों ने जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं किया हुआ और आप जीएसटी नंबर के ऊपर एलिजिबल नहीं है तो एक डेक्लेरेशन लगेगी, जिस डेक्लेरेशन पे आप ये लिखेंगे हमारा जीएसटी नंबर नहीं है। और नाउ पॉइंट नंबर 13 हेयर इज, जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं उन सबका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग मेडिकली फिट हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए। एंड मोर देन दैट, कई एमसीडीज हैं जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ अपने ट्रेनर्स का सर्टिफिकेशन भी मांगती है कि जितने आपके ट्रेनर्स हैं इधर दीज ट्रेनर्स आर सर्टिफाइड और नॉट। नाउ द पॉइंट नंबर 14 हियर इज कि आपका जो पेस्ट कंट्रोल है उसका बिल होना चाहिए पीरियडिकली। देखिए, हेल्थ लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हैं आप, हम हेल्थ के बिजनेस के अंदर हैं तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक से रहनी चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि जो आपका पेस्ट कंट्रोल है वो टाइमली होना चाहिए और जो ये पेस्ट कंट्रोल के बिल्स आप सबमिट करेंगे अपने लोकल एमसीडी के अंदर। अदर देन दैट, पॉइंट नंबर 15 इज कि जितना भी आपका स्टाफ काम करता है उस सारे स्टाफ की केवाईसी होती है, यानी कि नो योर कस्टमर कह सकते हो आप इसको, या नो योर क्लाइंट्स कह सकते हो इसको आप। तो जितना भी स्टाफ है उनके फोटोस और उनके आधार कार्ड आपके एमसीडी के अंदर सबमिट होंगे। पॉइंट नंबर 16 इज योर बिल्डिंग इनसाइड एंड आउटसाइड फोटो, यानी आपका जो जिम है जिम की अंदर की फोटोस और जिम की बाहर की फोटोस, एंड योर 3 विजिटिंग कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दी एमसीडी लाइसेंस। सो ओके गाइस, आपने देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए एमसीडी के लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी है माई डियर फ्रेंड्स लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने लोकल एमसीडी के अंदर सबमिट करते हैं। अलग अलग दिल्ली में जिस तरीके से लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट फीस जमा करने की 250 है, यूपी में अलग है, मुंबई में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हॉएवर सब जगह पे कहीं पे 250 है, कहीं पे 350 है, कहीं पे 450 है, एक आपकी रसीद कटती है। और जब आपकी रसीद कटती है उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन होती है एमसीडी द्वारा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो फिर वो एमसीडी आपसे दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और जब आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर देते हैं तो एमसीडी आपको एक लाइसेंस इशू करती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इलीगल है गाड़ी चलाना अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, इसी तरीके से अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है एक जिम को चलाने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जो आपकी लोकल एमसीडी देती है। दिल्ली के अंदर हम इसको एमसीडी बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, बॉम्बे के अंदर हम इसको बीएमसी बोलते हैं, यूपी के अंदर हम यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो जो भी आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास जाइए और इस लाइसेंस को अप्लाई कीजिए। दिल्ली का रूल मैं आपको बताता हूँ, बाकी हर स्टेट का यही रूल है कि जो लाइसेंस है ये के फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। अगर आप अभी इस समय, हम अक्टूबर में बैठे हैं, नवंबर में आपका लाइसेंस इशू हो रहा है, तो ये लाइसेंस ऑटोमेटिकली 31 मार्च को जाके एक्सपायर हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल को आप इस लाइसेंस को दोबारा से रिन्यू करते हैं। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये जो आपका लाइसेंस है ये लाइसेंस रिन्यू होता है। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि आप वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिवर्ट दैट मैसेज टू यू एंड एक्सप्लेन यू फर्दर। सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू से यू so much of love, so much of affection, only 20-22 videos in last 3 years and more than 10-12,000 subscribers. Subscribers हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखते, but the kind of response what we get on our helpline number that is 9999689818, जिस तरीके से उसके सारा दिन फोन आते हैं और जिस तरीके से सारे WhatsApp messages आते हैं, we are so grateful to you and as the owner of Muscle Masters, the equipment organization, we will give 100% to serve you better and better. Thank you so much. Channel subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए. Love to have you all. Thank you.